अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो देखिए, आपको तो समझ ही आ गया हम कहीं जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे हम लोग। तो देखिए, हम जा रहे हैं अजमेर, उनको भी नसीब हुआ वहाँ जाना। तो ये मेरी बहन है, एक बहन के बच्चे आगे जा रहे हैं, मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो सब हम एक साथ जा रहे थे। मेरे देवर थे, उनकी फैमिली थी पूरी, ऐसे हम एक साथ जा रहे थे। लेकिन आधे कुछ बोरीवली मिलने वाले थे हमें और आधे हम यहाँ से जा रहे। तो हमको तो जाना था ओला से ही, लेकिन हमने सोचा कि ट्रेन से ही जाएंगे, लोकल ट्रेन से, फिर वहाँ पे ट्रेन में। हमने एसी का ट्रेन बुक किया था अजमेर के लिए, लेकिन यहाँ से मैं नई मुंबई से हमको बोरीवली स्टेशन जाना था। तो हम यहाँ से फिर लोकल ट्रेन से वहाँ पे गए। मज़ा आया, अच्छा लगा ट्रेन से जाके। तो हम सब सामान लिया, सब गए। तो आप बस एक 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 स्टेशन हम पहुँच रहे कि तो हमको तीन स्टेशन बदली करना था, ट्रेन बदली करना थी बोरीवली तक के। तो आउटसाइड हो जाता है ना, तो इसके लिए ये मेरी बेटी है जो मालगाड़ी का भी वीडियो बना रही थी, वो लोग को अलग ही लग रहा था ये डब्बा देख के, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। तो देखिए, हम स्टेशन पे बैठे हुए हैं, मेरे देवर, उनके बच्चे, उनकी पूरी फैमिली, दोस्त, उनका सबका रास्ता देखते हुए। तो ऐसे बैठे हुए सब लोग, बच्चे, जब इतने में ये लोग सब आ गए, ये मेरे देवर के बच्चे। मैं और भी आपको लोगों को दिखा नहीं पाई, कोई कोई कंफर्टेबल नहीं रहता है ना कैमरे के सामने आने के लिए, इसके लिए। तो वहाँ बैठे बैठे हमने सिर्फ चाय पी, और कुछ खाने का दिल नहीं हो रहा था। खाना तो हमने घर से ही बना के लेके आए थे, फिर ये आपको दिखा नहीं पाई कि तो ये ट्रेन आ गई थी। फिर हम फटाफट हमारा सामान अंदर लेने पे थे, तो सब बैठ गए हम ट्रेन में। और उसके बाद का है ये, तो सबकी मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, पहले चार्जिंग को सब लगाया, और अब हम रिलैक्स हो गए जब बैठे अंदर ट्रेन में। तो देखिए, मैं तुमको बाहर का सब कुछ दिखा रही हूँ, तो एंजॉय कीजिए व्लॉग को। शाम होते जा रही थी, रात होते जा रही थी, और दोपहर में कोई अच्छे से खा नहीं पाया था घर पे ईद जाने के चक्कर में ही। तो मेरी देवरानी ने सब लाई थी स्नैक्स, तो हम वही खाते बैठे। तो वो प्लेट्स भी लेके आई थी, सब अरेंजमेंट करके आई थी वो। तो उन्होंने फिर सब निकाला और ऊपर नीचे सबको एक प्लेट में ऐसे देते हुए तो खाने लग गए। चूड़ा है, बिस्किट है, बच्चे ऊपर बिठाए थे हमने, तो ऐसे सब स्नैक्स खाने में मज़ा आ रही थी। सब लोग एंजॉय करके खा रहे थे, मज़ा आ रही थी, बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सफ़र है हमारा। तो उसके बाद फिर पानी की प्यास लगने लगी, बच्चे स्नैक खाए, चूड़ा, वेफर्स, ये सब खाने में अब बोल रहे पानी की प्यास लग गई। तो देखिए, ये स्टेशन कौन सा है, दिख तो नहीं रहा था, अभी क्या बताऊँ मैं, भूल गई मैं कौन सा स्टेशन है। ये तो वीडियो उसी वक्त शूट करते, लेकिन बात जो बोलना रहता है वीडियो में वो मैं बाद में करती हूँ, इसके लिए अब वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा स्टेशन है। तो देखिए, यहाँ पे स्टेशन आया तो मैं आपको दिखा रही हूँ।
क्लाउड है। तो देखिए इसके आगे फिर हमने टाइम हो गया और हमको, हाँ देखो सूरत है ये, अब दिखा ये है सूरत स्टेशन। अब वडोदरा में हमको हमारे हजरत वहाँ पे हमको ड्रॉप करेंगे हम उनको, तो वहाँ पे हम उनको हमारे उनकी सीट भी हमने ये किया था, बुक किया था, तो वहाँ से वो बैठेंगे, वो बैठने आएंगे वडोदरा से। तो अभी तो टाइम हो रहा था 12 बज रहा था मिनिमम, हाँ 12 बज रहा था, 12 बजा तो फिर बहुत ही भूख लगी। हमने बच्चों लोग को खिला दिया था खाना, हम बाकी थे खाने के लिए, जो बड़े बड़े लोग थे उतने हम खाने के बाकी थे। तो अभी वडोदरा में ट्रेन रुकेगी, फिर हमारे हजरत आएगी, फिर हम खाना खाएंगे, तो वो अकेले रह जाएंगे ना फिर इसके लिए। तो ये रात थी, बस सुनसान था सब कुछ, सब तरफ भीड़ तो उधर बिल्कुल नहीं है सूरत में, और मतलब वहीं पे, वहीं से आगे जितने भी स्टेशन है वहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी स्टेशन पे। शायद रात थी इसके लिए सब रात में, देखो ट्रेन का भी आपको बता रही हूँ मैं, सब लोग सो गए थे, एकदम शांत हो गया था। तो चलो देखते रहिए आगे भी, सब शांत हो गया तो मैंने ज़्यादा वीडियो क्लिप देखी किया ही नहीं, तो देखिए आगे क्या क्या करते हैं हम लोग। देखिए अभी हम पहुंचने वाले हैं, आपको मैं बीच का वीडियो जो क्लिप था वो मैंने नहीं किया, जो खाना खाना है सब कुछ करना है। अब हम वहाँ पे पहुंचेंगे अजमेर, तभी आपको वहाँ से मैं ब्लॉग दिखाऊंगी। बच्चे थे बहुत परेशान कर रहे थे, उस इसमें नहीं किया जाता है सब कुछ, तो जितना भी हो सका मेरे से उतना मैंने वीडियो बनाई। तो चलो दुआ दीजिए, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए वहाँ पे दुआ मांगूंगी। चलो अपनी केयर कीजिए, अपनी फैमिली की केयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।